दोस्तों आगे आप डिबेट में गोदी एंकर को भाजपा का खुला समर्थन करते हुए देखेंगे, जो आप रोज देखते हैं। लेकिन इस गोदी एंकर को देखकर आपको जरा सा भी महसूस नहीं होगा कि ये मैडम पत्रकार है। आज बीजेपी प्रवक्ता और गोदी एंकर नाविका कुमार ने मिलकर विपक्ष को राम विरोधी और जवाहरलाल नेहरू को गलत दिखाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन डिबेट में मजा तब आया जब वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने दोनों की पोल खोलते हुए पब्लिक के सामने अपने तर्कों के दम पर इनकी शानदार धुलाई की। वीडियो के लास्ट में तो बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु के आशुतोष ने आजादी की लड़ाई में योगदान पूछकर तोते उड़ा दिए। चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे विपक्ष कोई ना कोई तरीके ढूंढ रहा है, बहाने ढूंढ रहा है कि किसी तरह से जस्टिफाई कर सके कि नहीं जाना है हमें अयोध्या, नहीं जाना है 22 जनवरी के इस उद्घाटन के समारोह में, प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में। और कभी कह देते हैं शंकराचार्य जी ने कहा है, अब दो शंकराचार्य जी ने आकर और हमें इंटरव्यू में मुझे कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, और दूसरी तरफ अर्ध निर्मित है, इनकम्प्लीट है मंदिर। तो भैया जब सोमनाथ का मंदिर बना था और जब वहां शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे, तब कौन सा मंदिर कंप्लीट हो गया था? अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि षड्यंत्र के तहत वहां भगवान राम की मूर्ति को रखा गया। मैंने नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में लिख रहा है इस बात को। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा और उस वक्त अगर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि गलत तरीके से मूर्ति को रखा गया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप दोषी ठहराते? बिल्कुल दोषी ठहराइए, लेकिन जनता ने दोषी नहीं माना था उनको। 1947 से लेकर 1977 तक 30 साल कांग्रेस पार्टी को कभी 345 सीटें मिली, जो भाजपा को अभी तक नहीं मिली है, कभी 355 सीटें मिली, कभी 371 सीटें मिली, तो क्या माना जाए? जब वो राम के खिलाफ थे, जब वो हिंदू धर्म के खिलाफ काम कर रहे थे, जब वो सोमनाथ मंदिर का विरोध कर रहे थे जैसा कि भाजपा कह रही है, तो इसका मतलब तो यह होगा कि जनता तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। जनता ने क्यों उनको अपना आशीर्वाद दिया? वो क्यों लगातार चुनाव जीतते रहे? केवल चुनाव जीतते रहे बल्कि भयंकर बहुमत के साथ जीतते रहे, जो कम से कम पिछले दो चुनाव में भाजपा नहीं कर पाई। अच्छा का भयंकर बहुमत। तो प्रश्न ये है, आज की तारीख का प्रश्न ये है कि जो दोनों शंकराचार्यों ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा है और सत्य हिंदी को दिए गए अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि भाई जो कुछ भी हो रहा है वो राजनीति हो रही है, और अगर इसी तरीके से होता रहा तो वहां असुर का, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं फिर कान पकड़ रहा हूं। तो प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि जब जो काम शंकराचार्यों को करना चाहिए वो काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, प्रधानमंत्री हम सबके रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन शंकराचार्य में से चारों में से कोई भी नहीं जा रहा वहां पे। दो शंकराचार्य स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि भाई जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, धर्म के हिसाब से नहीं, शास्त्र के हिसाब से नहीं है। इसका जवाब सुधांशु जी नहीं देते। आप चार से दो शंकराचार्य पे तो आ गए। पहले तो भ्रम फैलाया जा रहा था कि चारों के चारों शंकराचार्य खिलाफ हैं। अब कम से कम दो शंकराचार्य खराब हुए, तो दो को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये भी सिद्ध हो गया। राष्ट्रीय चैनल है आपका, सब लोग देख रहे हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा, ना आज कहा, ना आज से 10 दिन पहले कहा, ना 25 दिन पहले कहा कि चारों शंकराचार्य जो है इसका विरोध कर रहे हैं। चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे, दो ने स्पष्ट तौर पर विरोध किया, कहा कि राजनीति हो रही, राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा, शास्त्र सम्मत मूर्ति का वहां पे स्थापन नहीं हो रहा। इसलिए मैंने कहा ये जितना भी प्रकार का ज्ञान है, कम से कम हमारे भगवान कोर्ट में गए, बाकी किसी के मैटर को कोर्ट में लाने की भी स्थिति हो। और हम और तौर छोड़िए, अगर इस देश की संसद ने कभी एक बार ऐसा किया है कि उसने कहा धार्मिक मान्यता कोर्ट से ऊपर, तब शाबानो केस, उन्होंने कहा अगर शरिया ये कहता है कि तलाकशुदा महिला को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो एक्ट आएगा और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रौंद कर हम शरिया को उसके ऊपर कर देंगे। तो भाई पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आच नहीं से नर न घनेरे। मैंने क्यों सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया? इसलिए क्योंकि आपने कहा कि कोर्ट के अंदर उन्होंने बयान दिया, तब मैंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, अदरवाइज मैं जिक्र नहीं करता इस बात। अब आगे बताइए, हमने कोर्ट करी, मजिस्ट्रेट जाके बयान, मजिस्ट्रेट तो कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, आपको सूट करे तो आप कोर्ट के पास जाएं, जब आपको सूट ना करे तो आप कोर्ट के पास। अरे भाई मैं आपने कोर्ट का जिक्र किया, इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, और हिंदुस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट है। जब आपको सूट करे आप शंकराचार्य का नाम ले, जब आपको ना सूट करे तो आप कोई और नाम ले, ये भी तो चल रही है। हिंदू धर्म का जिक्र बिना अब्दुल बरकत के नहीं हो सकता, बिना शरिया के नहीं हो सकता, बिना शाबानो के नहीं हो सकता। अरे भाई आप शंकराचार्य की बात करिए, आप रामानुराचार की बात करिए, आप वेद की बात करिए, उपनिषद की बात करिए, आप चारवाक की बात करिए, आपको बार-बार मुसलमान इस्लाम लाने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये यही सवाल है, और हर्षवर्धन हमें लाने की जरूरत पड़ती है भाई। अभी मैं तो नहीं लेके आया शरिया का जिक्र, मैंने तो शाबानों का जिक्र नहीं किया, इसलिए कि भारत का संविधान तुलसीदास के द्वारा कह रहा था, इकलौता सेक्युलर देश है जहां पर शरिया के सारी चीजें संविधान में आ गया, वरना एक सेक्युलर देखो, इसलिए मैं बता रहा हूं। सुनिए मैं बता रहा हूं भाई, अमेरिका के अंदर डिबेट होती है, क्रिश्चियन कहता है कि हिंदू धर्म में ऐसा है, मैं बता रहा हूं इसलिए कि देश आजाद हुआ, सऊदी अरबिया में होता है, कहता है हिंदू धर्म में ऐसा हो रहा है। अरे आप इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड, आप हिंदू धर्म के बारे में बात करिए। मैं जवाब दे रहा हूं इसलिए कि जब देश आजाद हुआ दो तो बने मुस्लिम देश, और इंडिया बना पार्शियल मुस्लिम देश,
अदरवाइज मैं चुनौती से कहता हूं, एक सेकंड देख बताइए, जहां पर और ये चीजें होती हो, इसलिए आज हम उसको टू सेकंड देख बता रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू गलती करे तो आरएसएस ने क्या किया, कौन सा आंदोलन का, कितने लोग फांसी में चढ़े, कितने लोग उपवास किया, तब तो चुपचाप अपने घरों में बैठे थे, बिलों में बैठे हुए थे, तब आपने हिंदुस्तान को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, और आज आपके नेहरू ने ऐसा किया। आप इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा।